रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने वाले सभी भक्तों के लिए मुस्लिम परिवार बना रहा श्रीराम नाम की लिखी हुई टोपिया। राम के नाम पर परिवार ने कही बहुत बड़ी बात। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के सिर पर सजने वाली टोपी को यूपी के अमरोहा का मुस्लिम परिवार कई महीनों से बना रहा। जल्द ही लाखों टोपी पहुंचेगी अयोध्या। टोपी बना रहे मुस्लिम परिवार के चेहरे खुशी से खिले। लाखों टोपियों का मिला है ऑर्डर। देश में हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा संदेश दे रहा मुस्लिम बेग का पूरा परिवार। जी, जैसे जैसे 22 जनवरी की ऐतिहासिक तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हर कोई छोटी बड़ी भूमिका प्रभु राम की सेवा के नाम पर निभा रहा है। देश और दुनिया से चलकर हिंदू के साथ कई धर्म के लोग भी रामलला के दरबार पहुंच रहे हैं। कई मुस्लिम बहनें पैदल चलकर कई हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने आ रही है। पूरा देश राम में हो गया है। हर तरफ राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। पूरी अयोध्या में हर रोज अलग अलग तैयारी के माध्यम से राम की नगरी को सजाया जा रहा है। हर रोज कई कहानियां निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के एक मुस्लिम परिवार की सामने आई है, जो प्रभु रामलला के लिए भी एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इस मुस्लिम परिवार ने कई महीनों पहले से प्रभु राम के लिए अपनी सेवा शुरू कर दी है। बताते चले कि अमरोहा में एक मुस्लिम परिवार अयोध्या नगरी आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए टोपी तैयार कर रहा है। इस मुस्लिम परिवार के द्वारा बनी हुई टोपी अयोध्या में आने वाले सभी राम भक्त अपने माथे पर पहनकर राम की नगरी में भ्रमण करते नजर आएंगे। इन सभी टोपी पर जय श्री राम नाम लिखा रहेगा। मुस्लिम परिवार के मुताबिक ये सभी टोपियां पहले दिल्ली भेजी जाएंगी, उसके बाद सीधे राम की नगरी अयोध्या पहुंचेंगे। इस परिवार ने बताया कि उन्हें लाखों की संख्या में ऑर्डर मिले हैं और कई महीनों से वो इस टोपी को तैयार कर रहे हैं। ये मुस्लिम परिवार अमरोहा कस्बे के बटवाल मोहल्ले में रहता है, जहां नसीम बेग का परिवार टोपी बनाकर अपना गुजारा करता है। नसीम बेग का पूरा परिवार हर साल होली पर लाखों टोपियां बनाता है और उसी से उनका पूरा खर्चा चलता है। इसके साथ जब इलेक्शन आते हैं तब भी इनके पास लाखों टोपियों का ऑर्डर आता है। पिछले महीने 50,000 टोपी बनाकर इन्होंने दिल्ली भेजा है। ये परिवार अलग अलग पार्टी के लिए ऑर्डर के हिसाब से टोपी तैयार करता है। पहली बार श्री राम की टोपी बना रहे इस परिवार के चेहरे खुशी से झूम उठे हैं। लाखों की संख्या में ऑर्डर मिलने पर इस परिवार ने बताया है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतने ऑर्डर मिलेंगे, वो भी तब जब कोई सीजन नहीं चल रहा। प्रभु राम के नाम की टोपी का ऑर्डर मिलने पर ये परिवार फख्र महसूस कर रहा है। टोपी बनाने वाले कारीगर मुस्लिम बेग ने बताया कि शहर में इस टोपी की मांग बहुत है। जो लोग अयोध्या जा रहे हैं वो खास तौर से इस टोपी की मांग कर रहे हैं। टोपी देखने में काफी खूबसूरत है और हम चाहते हैं कि अयोध्या जाने वाले हर एक भक्त इसे पहने। बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद करोड़ों भक्त अयोध्या जाने वाले हैं। ऐसे में इस परिवार के पास हर महीने लाखों की संख्या में ऑर्डर आते रहेंगे। इसके साथ इलेक्शन भी आने वाला है, तो उसमें भी इस परिवार को कई सारे ऑर्डर मिलने तय हैं। इस परिवार ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की है। इस परिवार का हर एक सदस्य इस काम में लगा हुआ है। इस काम में लगा हुआ है। बुजुर्ग से लेकर बच्चे और महिला हर कोई दिन रात काम कर रहा है। इस कहानी पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।